जय हिंद दोस्तों, भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भाई डू और डाई सीरीज में दो क्लासें मैराथन हम ले चुके हैं। आज अपनी बीएसएफ ट्रेडमैन्स वाले भाइयों के लिए तीसरी क्लास है। जिन भाइयों का 2-3 दिन के बाद एग्जाम होने वाला है, उन भाइयों के लिए मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और साधारण ब्याज के दोस्तों वो क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके बीच में, जो कि एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, पिछले पेपर हमने देखे हैं, पिछले पेपर में भी उसी प्रकार के सवाल आए हैं जैसा कि हमने पहले करा दिए थे। यानी कि दोस्तों, आपको वो चीज़ें आज की क्लास में मिलने वाली हैं जहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे। तो मेरे भाई, आपके लिए क्लास उपयोगी रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी साथी जो भी इस क्लास को देखेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना है। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें मैं आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। एक तो मेरे भाई परसेंटेज, एक प्रॉफिट लॉस और एक ब्याज। दोस्तों, यहाँ से सवाल एग्जाम में पक्का मिलेंगे। हो सकता है 4-5 सवाल आज की वीडियो से आपको देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, ज्यादा बातें ना करते हुए। दोस्तों, जिन भी मेरे भाइयों का एग्जाम है या जो भी मेरा भाई अगर एसएससी जीडी की पुलिस की तैयारी करता है, आर्मी की तैयारी करता है, वो भी इस क्लास को देख सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल उनके एग्जाम में भी बनते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। चलिए दोस्तों, देखिए सवाल नंबर एक आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, सवाल नंबर एक छोटा सा है, लिखा हुआ है मेरे भाई, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया गया, तो दोस्तों गलती कितने प्रतिशत की हुई। दोस्तों, मैं सिखाऊंगा आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, यहाँ आज की क्लास में कराए जाने वाला हर एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, और दोस्तों यहाँ से कम आज की इस वीडियो से 4 या 5 सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए मेरे भाई, मैं कराता हूँ आज के इस सवाल को, देखिए ध्यान से। दोस्तों, इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, लिखा हुआ है कि भाई किसी संख्या को हमने 5/3 से गुणा करना था, लेकिन मेरे भाई गलती से उसे 3/5 से गुणा कर दिया गया। दोस्तों, बताया गया है कि भाई एक संख्या थी, उसको हमने 5/3 से गुणा करना था, लेकिन दोस्तों कहता है कि भाई गलती हुई और गलती के कारण गुणा कर दिया गया 3/5 से। तो कहता है कि आप ये बताइए कि भाई गलती हुई कितने परसेंट की। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल को सोल्व करने के लिए मेरे भाई हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर सोचते हैं जो नीचे लिखी हुई संख्याओं से कट जाए। यानी कि हमने एक ऐसा नंबर सोचना है जो 3 और 5 से कटे। दोस्तों, 3 और 5 से कटने वाला नंबर हो सकता है 15। मान लेंगे दोस्तों हमने संख्या 15 थी जिसको गुणा करना था 5/3 से। दोस्तों, अगर 15 को 5/3 से सही तरीके से गुणा किया जाता, दोस्तों 3 से 5 बार में 15, तो मेरे भाई सही रिजल्ट निकल के आता 25। लेकिन दोस्तों गलती हुई, गलती के कारण इस संख्या को 5/3 से गुणा ना करके गुणा कर दिया गया मेरे भाई 3/5 से। दोस्तों, 3/5 से गुणा करेंगे तो गलती के कारण संख्या आएगी 9। दोस्तों, अगर इस संख्या को सही तरीके से गुणा किया जाता तो मेरे भाई रिजल्ट निकलना था 25, लेकिन मेरे भाई हमसे गलती हुई, विद्यार्थी से गलती हुई, और गलती के कारण उसने रिजल्ट निकाल दिया 9। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई संख्या 25 आनी थी और 9 आई, तो गलती कितने की हुई, आप बोलेंगे सर गलती हुई 16 की। अब आप मेरे को बताइए कि 16 की गलती कितने पर हुई। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि गलती जो संख्या मान रखी है उस पे निकालते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, आप देखिए कि आपके अकॉर्डिंग सही संख्या क्या आनी थी, 25। दोस्तों 25 के रिस्पेक्ट में 9 आई है, यानी कि जो 16 की गलती आपसे हुई है वो 25 पर हुई है। तो 25 को नीचे लिख देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों 25 से काट देंगे 4 बार, तो मेरे भाई आज के पहले सवाल का उत्तर 64% आ जाएगा। यानी कि जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर डी कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 64। बड़ा ही प्यारा सवाल था, छोटा सा सवाल था, संख्या को गुणा करना था 5/3 से,
गलती के कारण गुणा गया 3/5 से। दोस्तों गुणा करना था 5/3 से, 3/5 से गुणा किया गया। हमने एक ऐसी संख्या ली जो 3 और 5 से कटती है, यानी कि 15। 15 को 5/3 से गुणा करते तो रिजल्ट 25 आता। गलती हुई, गलती के कारण गुणा किया गया 3/5 से तो 9 आया। आना था 25, आया 9, गलती 16 की, नीचे 25 गुणा कर देंगे 100 से, दोस्तों उत्तर आएगा 64%। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला फिर से एक सवाल छोटा सा परसेंटेज टॉपिक से आपके सामने आ चुका है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, जो भी मैं सवाल आज आपको परसेंटेज के कराने वाला हूं आप पेपर में यहां से सवाल पक्का देख सकते हैं। दोस्तों वादा है मेरा आज की क्लास से आपके सवाल में आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों लिखा हुआ है ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो बताइए ए अनुपात सी कितना है। दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है तो मेरे भाई आप दूसरे की वैल्यू को 100 मान लेना। जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि भाई ए बी से 40% अधिक है, दोस्तों मान लेंगे कि भाई बी की वैल्यू 100 है। दोस्तों बी 100 है तो ए 40 ज्यादा है, तो यानी कि 140 है। मेरे भाई अगर मैं 20 से इन दोनों को काट दूं तो ए और बी का अनुपात पता चलेगा 7:5। फिर कहता कि भाई बी सी से 20% कम है, दोस्तों यहां पे मैं अगर सी को 100 मान लेता हूं, बी 20% कम है यानी कि 80 है, फिर से मैं 20 से काट देता हूं तो मेरे भाई अनुपात मिलेगा 4:5। दोस्तों अब मैं ए बी सी के अनुपातिक रिलेशन को देखूंगा तो ए बी का अनुपात 7:5 है, बी सी का 4:5 है। दोस्तों जब आपको ऐसे अनुपात पता हो ए बी का बी सी का, तो ये वाली वैल्यू इधर लिखी जाती है, ये वाली वैल्यू इधर रखी जाती है। 7 की 4 में गुणा करेंगे 28, 5 की 4 में गुणा करेंगे 20, और भाई 5 की 5 में गुणा करेंगे 25, तो मेरे भाई यहां से जो अनुपातिक रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा मेरे भाई 28, 20 और 25 का। लेकिन दोस्तों यहां से अपने से पूछा है ए अनुपात सी, तो दोस्तों ए का जो अनुपात है वो 28 है और सी का जो अनुपात है वो 25 है। तो जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 28:25 कमेंट किया है, भाई बिल्कुल राइट आंसर है। जो भाई इस सवाल का उत्तर 28:25 देंगे बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा 28:25। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों एक और छोटा सा सवाल आपके बीच में आ चुका है। दोस्तों लिखा हुआ है कि भाई ए प्लस बी का, दोस्तों ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी के 25% के, तो बताइए बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखो दोस्तों सबसे पहले तो हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है ए प्लस बी का 15%, दोस्तों 15% से गुणा कर लेंगे। बराबर दिया गया दोस्तों ए माइनस बी के 25% के, दोस्तों 25% से गुणा कर लेंगे। दोस्तों यहां से जब हम इनको सोल्व करेंगे ना, तो मेरे भाई सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, 5 से इसको काट दे 3 बार, दोस्तों 5 से काट दे 5 बार। दोस्तों यहां से देखो a प्लस बी की वैल्यू 5 आएगी और a माइनस बी की वैल्यू 3 आएगी। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी काम की बात बताता हूं, कभी भी अगर आपको ए बी की वैल्यू दे रखी हो और ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो, ए प्लस बी का मान पता हो, ए माइनस बी का मान पता हो, आपको ए अनुपात बी लिखना हो, तो मेरे भाई आप एक छोटा सा काम करिएगा, दोस्तों दोनों को जोड़ने पर ए की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को घटाने पर बी की वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों ए प्लस बी का योग दे रखा हो, बी ए और बी का अंतर यानी कि माइनस दे रखा हो, दोनों को जोड़ेंगे तो ए का अनुपात निकलेगा, घटाएंगे तो बी का अनुपात निकलेगा। मेरे भाई यहां से दोनों को जोड़ेंगे 3 और 5 ये 8 बनेगा, दोस्तों घटाएंगे तो ये मेरे भाई 2 बनेगा। दोस्तों अगर हम इनका अनुपात देखें तो दोस्तों ये 4:1 आ जाएगा। दोस्तों अब अपने से पूछा है, इसका मतलब ये हो जाएगा ए अगर 4 है तो मेरे भाई बी 1 है। तो दोस्तों कहता कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, दोस्तों बी का कितना परसेंट, दोस्तों बी के रिस्पेक्ट में बात करनी है, ए के बारे में बताना है। तो दोस्तों ए 4 है, किसका पूछा है, बी का, बी दोस्तों 1 है, परसेंटेज बताना है, 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों पता चलेगा कि भाई बी के रिस्पेक्ट में ए जो है वो 400% के बराबर है। तो दोस्तों बी का कितने परसेंट ए है, तो हम बोल देंगे भाई बी का
400% जो है वो ए है, यानी कि जो भाई इस सवाल का उत्तर डी निकालेंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर एक सवाल बड़े प्यार से समझाने वाला हूं मैं आपको, आप हर एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आपके लिए ये क्लास बड़ी बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगती रहे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक सवाल अच्छा सा इंपॉर्टेंट फिर से आ चुका है आपके सामने, चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करेंगे। दोस्तों लिखा हुआ है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों अगर आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए तो आप एक छोटा सा काम करिएगा, चाहे वो अधिक की बात करे चाहे कम की बात करे, हमेशा दोस्तों तीसरी संख्या को, दोस्तों तीसरी संख्या को 100 मान लीजिएगा। दोस्तों हम कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तीन संख्याओं का जिक्र किया गया है, दोस्तों हम एक छोटा सा काम करेंगे, यहां से मान लेंगे कि मेरी भाई जो तीसरी संख्या है वो 100 है। कहता है कि दो संख्या तीसरी से 25% और 20% कम है। दोस्तों अगर पहली 25% कम होगी तो यानी कि ये 75 बन जाएगी। दोस्तों दूसरी 20% कम होगी तो ये 80 बन जाएगी। दोस्तों तीनों संख्याओं का आपको पता चल जाएगा कि मेरे भाई अगर तीसरी संख्या 100 है तो भाई पहली संख्या हो जाएगी 75 और दूसरी संख्या हो जाएगी 80। दोस्तों बताना है कि पहली संख्या यानी के 75 दूसरी संख्या यानी 80 का कितना परसेंट है। तो दोस्तों 75 के बारे में पूछा है ऊपर लिख देंगे, 80 के रिस्पेक्ट में बात करनी है नीचे लिख देंगे। दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे, मेरे भाई इनको काट देंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं यहां से इसको देखिए, यहां से इसको मैं 20 से काट दूं तो ये 5 बार में, दोस्तों 20 से काट दूं तो 4 बार में। दोस्तों यहां से अगर हम 5 की गुणा कर दें तो ये 25 बनेगा, 5 सते 35 और 2 37, 375/4 आएगा। यानी कि दोस्तों जब आप इसको डिवाइड करोगे तो भाई 4 से 9 बार में 36, 4 से 3 बार में 12, दोस्तों 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 4 सते 28 और 4 पंजे 20, 93.75। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर डी कमेंट किया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर डी आ जाएगा। फिर से सुनिएगा मैंने क्या किया। दोस्तों मैंने आपको कहा कि भाई मेरे भाई आप एक छोटा सा काम कीजिए, इस सवाल को सोल्व करने के लिए या इस टाइप के सवाल को सोल्व करने के लिए, चाहे वो ज्यादा की बात करे चाहे वो कम की बात करे, दोस्तों आपने एक छोटा सा काम करना है कि तीसरी संख्या को हमेशा 100 मान लेना है। तीसरी संख्या को दोस्तों हमने 100 मान लिया, पहली संख्या 25% कम है तो मेरे भाई 75 हो जाएगी, दूसरी संख्या 20% कम है तो मेरे भाई 80 हो जाएगी। दोस्तों हमने बताना था कि पहली दूसरी का कितना परसेंट है, यानी कि दोस्तों 75 80 का कितना परसेंट है, सोल्व करेंगे तो दोस्तों आंसर आ जाएगा 93.75। चौथे का आंसर जिन भाइयों ने यह निकाला होगा बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है, ऐसा सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 300 के 25% का 20% क्या होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, जब भी हम किसी संख्या का कुछ परसेंट निकालेंगे वो संख्या गुणा करके बटे 100 कर देंगे। दोस्तों 300 का 25% निकालेंगे, 300 गुणा 25 बटे 100, मेरे भाई 20% निकालेंगे, 20 बटे 100, दो जीरो से दोस्तों दो जीरो काट देंगे, 20 पंजे 100 होता है, 5 से 5 बार में 25, इस सवाल का दोस्तों उत्तर आ जाएगा अपने पास 15। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 15 दिया है डी ऑप्शन कमेंट किया है, बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर भाई डी हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, आप चाहे तो आप इसको 1/4 1/5 भी लिख सकते थे ना फ्रैक्शन में चेंज करके, लेकिन मेरे भाई सिंपल तरीके से मैंने लिख दिया, 300 का 25% 300 गुणा 25 बटे 100, इसका 20% 20 बटे 100, सोल्व किया 15 उत्तर निकाल लिया। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला बड़ा ही प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखो लिखा हुआ है कि भाई 0.01 का कितना परसेंट है। दोस्तों देखो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जिसके बारे में कहा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखना होता है 0.01। पूछा कि 0.1 का, दोस्तों 0.1 को हम नीचे लिख देंगे, प्रतिशत में चेंज करने के लिए मेरे भाई 100 से गुणा कर देंगे। दोस्तों यहां 2 के बाद पॉइंट है
तो यहां पे भी दो के बाद पॉइंट होना चाहिए, नीचे एक जीरो लगा देंगे तो मेरे भाई ये पॉइंट जो है ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा एक बटा दस और गुणा में सो। दोस्तों जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, एक से एक को भी कैंसिल कर देना, मेरे भाई इस सवाल का जो उत्तर है वो 10% आ जाएगा, यानी कि ए उत्तर आ जाएगा भाई 10%। जिन भाइयों ने दोस्तों ए कमेंट किया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों छोटा सा सवाल था, हमने इस सवाल का के द्वारा यह सीखा है कि किसी संख्या के बारे में अगर ये बताना हो कि वो उसका कितना परसेंट है, तो जिसके बारे में कहा जाए वो ऊपर, जिसका पूछे वो नीचे, गुणा सो दोस्तों उत्तर आ जाएगा आपके पास। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, पिछले वाला सवाल है दोस्तों। देखो पिछले वाले सवाल में तो डायरेक्ट अपने को संख्या दे दी गई थी, लेकिन यहां पे दोस्तों ये सवाल लिख के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे भाई अगर ऐसा सवाल आए और कोई अलग अलग यूनिट लिख के दे दे, यहां पे ये ग्राम किलोग्राम लिखा गया है, ग्राम किलोग्राम की जगह हो सकता है मिनट घंटे लिखे जाए, हो सकता है दोस्तों यहां पे रुपए पैसे लिखे जाए, हो सकता है दोस्तों सेकंड और मिनट लिखी जाए। दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले यूनिट को सेम किया जाता है, यानी कि यहां पे दोस्तों लिखा हुआ है ग्राम और दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है किलोग्राम, तो मेरे भाई सबसे पहले हम दोनों यूनिट को सेम करेंगे, ये ग्राम है और मेरे भाई ये किलोग्राम है। दोस्तों दोनों यूनिट को सेम करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है कि मेरे भाई एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो दोस्तों 3.6 किलोग्राम को जब आप ग्राम में बदलोगे तो मेरे भाई 360 ग्राम आ जाएंगे। दोस्तों जब आप 1000 से गुणा करोगे, दोस्तों सॉरी जब आप 1000 से गुणा करोगे तो ये 3600 ग्राम आ जाएंगे। देखो 3.6 को जब आप 1000 से गुणा करोगे तो क्या होगा कि एक पॉइंट कट जाएगा, तो यहां से ये बनेगा 3600 ग्राम। तो इसका मतलब हमने बताना है कि भाई 3600 ग्राम का कितना परसेंट है। दोस्तों परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, मेरे भाई यहां से 36 से दो बार में कट जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर जिन भाइयों ने 2% निकाला होगा बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा। दोस्तों ऐसा सवाल आप जब भी करिएगा ध्यान से रखना, कुछ नहीं करना, आपने छोटा सा काम करना है कि यूनिट को सेम करना है, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम तो ये 3600 ग्राम बन जाएगा, 72/3600 × 100 2% बिल्कुल राइट आंसर है, जिन भी भाइयों ने निकाले होंगे बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल एक और बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सवाल भी पेपर में बार बार पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ कि भाई चीनी के मूल्य में, दोस्तों सवाल को ध्यान से सुनना, लिखा हुआ कि चीनी के मूल्य में, इंपॉर्टेंट सवाल है, 20% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितना परसेंट कम किया जाए कि मेरे भाई इसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब खर्चा पहले जितना रहे। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करना। दोस्तों देखो वृद्धि देगा तो आपसे कमी पूछेगा, दोस्तों कमी देगा तो आपसे वृद्धि पूछेगा। दोस्तों कुछ नहीं करना, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो मेरे भाई वृद्धि पूछेगा, वृद्धि है तो कमी पूछेगा, कमी है तो दोस्तों वृद्धि पूछेगा। ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जो भी परसेंटेज की वैल्यू आपको प्रश्न में देगा उठा के आपने लिख लेना है, 20% दिया गया है दोस्तों, 20 लिख लेंगे। दोस्तों अगर ये परसेंटेज की वैल्यू के साथ वृद्धि की बात की जाए, अधिक की बात की जाए, ज्यादा की बात की जाए, तो ये जो भी दिया गया है इसको 100 में नीचे जोड़ के लिख देना है। कमी की बात करता तो मैं घटा के लिख देता और मेरे भाई गुणा कर देना है 100 से। दोस्तों कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है उठा के लिखिए, परसेंटेज में वृद्धि है तो भाई प्लस करके लिखिए 100 में, कमी है तो माइनस करके लिखिए और गुणा कर दीजिए 100 से। दोस्तों जब हम इसको सोल्व करेंगे, 20 से काट देंगे मेरे भाई 6 बार में, 2 से काट देंगे 3 और 2 से काट देंगे 50। दोस्तों 50/3 यानी कि 16/2, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 16 2/3%। दोस्तों जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर सी निकाला होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर मैं एक बार बताता हूं दोस्तों, वृद्धि देगा कमी पूछेगा, कमी देगा वृद्धि पूछेगा, कुछ नहीं करना मेरे भाई, जो दिया है उठा के लिखिएगा, वृद्धि है तो 100 में नीचे जोड़ना है,
कमी है तो घटाना है और गुणा करना है 100 से, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। चलिए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है दोस्तों सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड है। दोस्तों सवाल की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वही पिछले वाला सवाल है, उम्मीद है अब आपसे यह हो जाएगा। आप देखो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, पिछला सवाल चीनी का मूल्य था, यहां पे ये इसकी इनकम है, आयु हो सकती है, त्रिभुज का आधार ऊंचाई हो सकती है, आयत की लंबाई चौड़ाई हो सकती है, कुछ भी बोल सकता है मेरे भाई। दोस्तों ए की आय बी की आय से 10% ज्यादा है, मेरे भाई कुछ मत करिए, जो दिया हुआ है उठा के लिख दीजिए। दोस्तों ज्यादा है तो 100 में 10 जोड़ देंगे 110, परसेंटेज के लिए गुणा 100, जीरो कट जाएगी, 100 बटा में 11 दोस्तों 9 से 1 बटा में 11 जिस ऑप्शन में लिखा हुआ होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस सवाल का उत्तर आ जाएगा ए। दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपने, देखो कितना आसान सवाल है, जो दिया है उठा के लिख दिया, व्यर्थ है तो मेरे भाई जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको हर एक चीज में यहीं से क्लियर कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों किसी संख्या में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई, अंतिम रूप से उस संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, देखो पिछले सवाल में तो क्या था, वृद्धि दे के कमी पूछी थी या कमी दे के वृद्धि पूछी थी। इस सवाल में दोस्तों आपको दो बार वृद्धि या कमी देगा, आप एक छोटा सा काम करिएगा दोस्तों, अगर वृद्धि की बात करें तो 100 में जोड़ के लिख देना, भाई 10% की वृद्धि है दोस्तों 100 में जोड़ दिया 110, फिर 10% की कमी है 100 से घटा दिया 90 दोस्तों, बटे कर देना 100, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे दोस्तों, जो भी रिजल्ट निकलेगा इसका कंपैरिजन करना है आपने 100 के साथ। अगर ये संख्या 100 से कम आएगी तो मेरे भाई ये कमी कहलाएगी, अगर ये संख्या 100 से ज्यादा आएगी तो जितनी ज्यादा होगी उतनी वृद्धि कहलाएगी। दोस्तों जो दिया हुआ है 100 में जोड़ के लिखिए, वृद्धि है तो, कमी है तो घटा के लिखिए, सोल्व करेंगे रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। देखो कुछ भी तो नहीं किया, 10 की वृद्धि थी 110 लिख दिया, 10 की कमी थी 90 लिख दिया, बटे 100 दोस्तों जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, 11 की 9 में गुना 99 घटाएंगे भाई 1% की कमी, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भाई बी आंसर निकाल देते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा भाई बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है, चलिए अगला सवाल आपने खुद करना है, ध्यान से देखिए और प्रयास कीजिए, आप उम्मीद है आप इस सवाल को जरूर कर पाएंगे। वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है, कमी है तो 100 से घटाना है, बटे 100 करना है। देखिए पहली वृद्धि है भाई मूल्य में 25% की, दोस्तों 100 में 25 जोड़ देंगे 125 बटा में 100 लिख देंगे दोस्तों, फिर दिया गया है 20% की कमी तो दोस्तों यहां पे हम 80 लिख देंगे, बटा 100 एक ही बार करना है, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार दोस्तों, 4 से काट देंगे 20 बार दोस्तों, ये तो 100 आया, 100 को 100 से कंपैरिजन करेंगे ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर बोल देंगे भाई कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि इस सवाल का दोस्तों उत्तर आ जाएगा सी। 25% वृद्धि थी 100 में जोड़ दिया, 20% कमी थी 100 से घटा दिया, सोल्व किया 100 आया, 100 को 100 से कंपेयर करेंगे ना ज्यादा ना कम, तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा भाई कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा सी। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, ऐसे छोटे छोटे सवाल तुम्हारे पेपर में जरूर आएंगे मेरे भाई, विश्वास रखिए आप आज की क्लास से 4 या 5 सवाल सीख के जाने वाले हैं जो पेपर में आपको मिलेंगे। पेपर जब भी आएगा आप देखना, विश्वास रखिए आपको डिट्टो पेपर मिलेगा, कोई बदलाव नहीं मिलेगा। चलिए ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या में 80% में को 80 में जोड़ने पर परिणाम वह संख्या प्राप्त होती है तो संख्या क्या है। दोस्तों कहता है कि भाई 80% में 80 जोड़ दोगे तो परिणाम में वो संख्या ही आ जाएगी। तो देखो दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए दोस्तों। देखो कोई भी संख्या हो, हर एक संख्या अपने आप में 100% के बराबर होती है दोस्तों, हर एक यूनिट अपने आप में 100% के बराबर होती है, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है। कहता कि भाई 80% संख्या का अपने पास है दोस्तों, 80% अपने को दिया गया है। आप मेरे को यह बताइए कि अगर मैं इस 80% को 100% बनाना चाहूं तो मेरे को कितना जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बोलेंगे सर आप तो बस 20% जोड़ दीजिए संख्या आ जाएगी।
दोस्तों मैंने कहा 80% संख्या का मेरे को दिया गया था, कोई भी संख्या 100% होती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद बताइए 80% को 100% बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 100% बनाने के लिए आपको 20% जोड़ना पड़ेगा। भाई बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हूं कि मेरे को 20% जोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों सवाल में कहता है कि 80 जोड़ना पड़ेगा। दोस्तों इसका मतलब जिस चीज को हम 20% बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो सवाल में 80 बताई गई है, 20% 80 है। दोस्तों 1% का मान लिखेंगे, 80 में 20 का भाग कर देंगे। दोस्तों 100% का मान लिखेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 20 चौक 80। दोस्तों 100 की 4 में गुणा करेंगे तो जिन भाइयों ने 400 उत्तर निकाल दिया, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पेन भी नहीं उठाना, आपको आसान सा सवाल है, 80 को 100 करना है, 20% बढ़ाना पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार 80 बढ़ाना पड़ेगा, 80/20 × 100 आंसर आया दोस्तों 400। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल भी एक बड़ा ही प्यारा सवाल है, ये मिश्रण से रिलेटेड है। इस सवाल को करने का मैं बड़ा जानदार तरीका आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों ऐसा तरीका बताऊंगा दोस्तों, आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका आंसर देखते के साथ आ जाएगा। सुनिएगा आप मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान बोर्ड पे रखिएगा आप। देखो दोस्तों इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जो चीज मिलाने की बात करे और जो चीज दोस्तों निकालने की बात करे, भाई जो चीज मिलाई जाए और जो चीज निकाली जाए उसको नहीं छेड़ना है, उस पर काटा लगा देना है। दो चीजों का मिश्रण होगा तो जो चीज मिलाई जाएगी जो चीज निकाली जाएगी उस पर काटा लगा दिया करो, उसको नहीं छेड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे सर, मैं बताता हूं क्या करेंगे। आपने दोस्तों अंतर को ऊपर लिखना है, किसके अंतर को थोड़ी देर में बताऊंगा, बाद की मात्रा को नीचे लिखना है और दोस्तों जो मिश्रण दे रखा होगा उससे गुणा करना है। मैंने कहा मेरे भाई ऐसे सवाल को करने की ये बेस्ट ट्रिक है, बेस्ट तरीका है कि भाई ऐसे सवाल को दोस्तों जब भी आप सोल्व करेंगे आपसे पूछेगा बताइए कितना मिलाया जाए, बताइए कितना निकाला जाए। दोस्तों जो चीज ना तो मिलाई जाए ना निकाली जाए उस पर काम करना है, जो चीज मिलाई जाए निकाली जाए काटा लगा देना दोस्तों, उस पर काम नहीं करना है। दूसरी बात, अंतर को ऊपर लिखेंगे, बाद की मात्रा को नीचे लिखेंगे, मिश्रण से गुणा कर देंगे। गुरुजी नहीं समझे हम तो, भाई समझा के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 25 लीटर का मिश्रण है, नमक की मात्रा 6% है, कितना पानी मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5 हो जाए? भाई साहब पानी मिलाने की बात की गई है, दोस्तों पानी को छोड़ दो, दो चीज है नमक और पानी, पानी मिलाना है पानी को छोड़ दो। भाई नमक की मात्रा है पहले 6%, दोस्तों बाद में नमक की मात्रा है 5%। भाई दोस्तों मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि उस चीज पे काम करिए जो चीज ना तो मिलाई जाए ना निकाली जाए। दोस्तों ये 6% है, ये 1% है, आप दोनों का अंतर ऊपर लिखिए, 6 और 5 में कितने का अंतर है सर, 1 का है। बाद की मात्रा को नीचे लिखिए, 5 का है। दोस्तों मिश्रण से गुणा कर दीजिए, 25 से गुणा कर दीजिए, जब मेरे भाई 25 को 5 से काटोगे तो 5 ही तो उत्तर आ जाएगा। अब आप बताइए इसको करने में कौन सा जोर आएगा? जिन भाइयों ने 5 उत्तर निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, इस सवाल का बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाया है, अगर इस सवाल को मैं खुद करता ना, मैं खुद करता तो 6 में 5 में अंतर 1 का, बटे में 5 और गुणा 25, 5 उत्तर निकाल देता 2 सेकंड में। 1 का अंतर है ऊपर नीचे, 5 गुणा मिश्रण 25 उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल दोस्तों बिल्कुल आपको प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने सेम लिया है। अब आप सोचिए कि इस सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, पिछले वाले सवाल की तरह ही निकालेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा दोस्तों, ध्यान बोर्ड पर रखिएगा मेरे भाई। दोस्तों देखो 75 ग्राम चीनी के गोल में 30% चीनी है, चीनी मिलानी है भाई। दोस्तों चीनी मिलाने की बात की गई है तो चीनी पे काटा लगा दो, चीनी पे काम नहीं करना दोस्तों, चीनी पे काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज मेरे को नहीं पता क्या है, दूसरी चीज पे काम करेंगे। दोस्तों पहले 30% चीनी है, 30% चीनी है तो दूसरी चीज 70% होगी, बाद में 70% चीनी होगी तो दूसरी चीज 30% होगी। गुरुजी अब क्या करें भाई, दोनों का अंतर ऊपर 40,
दोस्तों बाद की मात्रा नीचे 30, मिश्रण है 75 ग्राम का, गुणा कर देंगे दोस्तों, जीरो से जीरो कट जाएगी, तीन से काटेंगे 25, 25 गुणा 4 100, जिन भाइयों ने 100 उत्तर निकाल दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, 100 उत्तर आ जाएगा बी ऑप्शन। मैंने कहा दोस्तों उस चीज पे कभी काम मत करना, उस चीज पे कभी काम मत करना जो चीज मिलाई जाए या जो चीज निकाली जाए। दोस्तों आप बताइए क्या चीज मिलाई गई, गुरुजी चीनी मिलाई गई, चीनी को छोड़ दो मेरे भाई, पहले चीनी थी 30%, 100% मिश्रण होता है, 30% चीनी है तो दूसरी चीज 70%, बाद में चीनी 70 है तो दूसरी चीज 30%, दोनों का अंतर ऊपर 40, बाद की मात्रा नीचे, गुणा कर देंगे 75 से, दोस्तों आंसर आ जाएगा इस सवाल का 100 ग्राम। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है पेपर में, कभी पहले का मूल्य पूछ लेगा, वर्तमान मूल्य पूछ लेगा, नया मूल्य पूछ लेगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं ऐसे सवाल को, सुनिएगा दोस्तों। देखो आपसे एक छोटे से दो छोटे छोटे फॉर्मूले बताऊंगा मैं ऐसे सवाल को करने के लिए। दोस्तों मैं एक नया पेज ले लेता हूं, फिर देखिएगा ध्यान से दोस्तों। कभी भी आपने ऐसे सवाल में नया मूल्य निकालना हो, वर्तमान मूल्य निकालना हो, घटा हुआ मूल्य निकालना हो, बढ़ा हुआ मूल्य निकालना हो, दोस्तों इन सब का मतलब एक ही होता है, परसेंट में कमी आएगी तो घट जाएगा, वृद्धि होगी तो बढ़ जाएगा, बदलाव होगा तो वर्तमान हो जाएगा, बदलाव होगा तो नया हो जाएगा। दोस्तों ये मूल्य अगर कभी भी लिखना हो तो देखो क्या करना है, जितने परसेंट की कमी या वृद्धि अपने को प्रश्न में देगा दोस्तों उसको उठा के लिख लेना है, दोस्तों जो भी कमी या वृद्धि देगा उठा के लिख लेना है, गुणा करना है मेरे भाई अमाउंट से, बटे जितनी मात्रा होगी वो और गुणा में 100। दोस्तों अपने पास से आपने नया कुछ नहीं करना मेरे भाई, मैंने कहा कि नया मूल्य जब भी आप निकालेंगे ना क्या करेंगे बताइए, जितने परसेंट की कमी या वृद्धि है वो लिखेंगे, बटे सॉरी गुणा जितने रुपए दे रखे हैं वो लिखेंगे, बटे मात्रा जितनी ज्यादा या कम खरीदी जाएगी वो लिखेंगे, गुणा कर देंगे 100 से, घटा हुआ मूल्य, मूल्य घटेगा तो घटा हुआ कहलाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य, मूल्य बढ़ेगा तो बढ़ा हुआ मूल्य कहलाएगा। दोस्तों जो भी बोलेगा वो आपके पास यहां से निकल के आ जाएगा। अगर दोस्तों कभी पुराने मूल्य की बात करें, भाई प्रारंभिक मूल्य क्या था, पुराना मूल्य क्या था, वास्तविक मूल्य क्या था, तो दोस्तों सेम तरीका लगाना है, कोई बदलाव नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, जितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी वो उठा के लिखना है, कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनते जाइएगा, गुणा में अमाउंट रुपए लिखना है, बटे दोस्तों मात्रा और गुणा। दोस्तों यहां थोड़ा सा बदलाव करना है, इस मूल्य के लिए तो यहां 100 रहता है, इस मूल्य के लिए कमी हुई हो तो 100 से घट जाएगी, वृद्धि हुई हो तो 100 में जुड़ जाएगी, बस इतना सा बदलाव है और दोस्तों कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी परसेंट की कमी या वृद्धि है वो गुणा अमाउंट, बटे मात्रा, कमी है तो घटाइए, वृद्धि है तो जोड़िए, पुराना मूल्य आ जाएगा। दोस्तों जो अपना सवाल था देखिए, अपना सवाल क्या था, पुराना मूल्य पूछा, पुराने मूल्य के लिए आरंभिक मूल्य का मतलब पुराना मूल्य, दोस्तों 20% की कमी है, 20 लिख दिया भाई साहब, 320 रुपए दे रखे हैं लिख दिया भाई साहब, 5 दे रखा है दोस्तों लिख दिया। अगर वो कहे कि भाई नया मूल्य बताओ तो 100 से गुणा, आरंभिक मूल्य पूछा है तो दोस्तों 20 की कमी थी, यहां मैं लिखूंगा 80। दोस्तों देखो कितनी प्यार से कटेगा ये, 20 चौक 80, 4 से काट देंगे भाई 4 8 32, 5 से काट देंगे दोस्तों 16, बड़ी प्यार से आपका उत्तर आ जाएगा इस सवाल का भाई 16। दोस्तों फिर देख लो एक बार, करना क्या है आपके सामने है, ये नए मूल्य के लिए है, ये पुराने मूल्य के लिए है, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों ये एक जनसंख्या वाला सवाल है, ये भी प्रतिशत में आपसे कई बार पूछ लेता है, कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सवाल आता है ये, आपको कोई परेशानी वाले सवाल नहीं देगा, आपको कभी ऐसी वैल्यू नहीं देगा कि भाई 33 से 1/3% बढ़ जाता है, 57 से 1/7% घट जाता है, ऐसी वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। आपके एग्जाम का जो लेवल है वो जो मैं बताने लग रहा हूं वही लेवल है मेरे भाई, उसी लेवल के मैंने आपके लिए सवाल लिए हैं, तो आप विश्वास रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो यार दोस्तों को शेयर जरूर करना है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए अब सवाल सीखिए, किसी नगर की जनसंख्या 1,80,000 है दोस्तों, 10% की दर से बढ़ती है 2 साल बाद। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, देखो कुछ नहीं करना,
पहले जनसंख्या लिख लो कितनी है 180, भाई बढ़े तो 100 में जोड़ दिया करो, 10% बढ़ती है दोस्तों, 100 में 10 जोड़ देंगे 110/100, दोस्तों 4 जीरो है यहां से कैंसिल कर देंगे, 11 का वर्ग होता है मेरे भाई 121, 18 की गुणा करेंगे मेरे भाई 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16 दोस्तों, 8 × 1 = 8 और 1 = 9 दोस्तों, ये 121 रहेगा मेरे भाई, 8, 7, 1, 2, 21, 78 के बाद में 1 और 1 = 2 0 जिस ऑप्शन में मिलेंगी वही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 21, 78, 00 सी ऑप्शन में मेरे को दिखाई दिया दोस्तों इस सवाल का उत्तर, जिन भाइयों ने सी निकाल दिया होगा मेरे भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी उत्तर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे, देखिए अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 17। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है, 4% की दर से बढ़ती है, गांव की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी? दोस्तों देखो पहले की जनसंख्या निकालनी हो ना तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, अब ये जो जोड़ना घटाना पिछले सवाल में जो ऊपर किया ना आपने, इस सवाल में नीचे कर देंगे। 4% की दर से बढ़ती है दोस्तों, 100 में अब की बार नीचे बढ़ाना है, पहले का रिजल्ट पूछे तो नीचे बढ़ा दिया करो, बाद का पूछे तो ऊपर बढ़ा दिया करो, 2 साल पहले की पूछी है 2 बार जोड़ के लिख देंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो जीरो तो इसमें काटने के लिए है नहीं, मेरे को पता है कि भाई ये 26 का वर्ग होता है, 26 से दोस्तों 2600 बार में कट जाएगा, और ये 26 का 4 गुना होता है दोस्तों, ये 26 से फिर 100 बार में कट जाएगा, ये 26 का 4 गुना होता है दोस्तों, 4 से ये 25 दोस्तों, 4 से ये 25, 25 का वर्ग 625, 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों 62,500 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 62,500 निकाल दिया होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 62,500। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 62,500। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ये विद्यार्थियों से रिलेटेड, परीक्षा अंक से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ये सवाल भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए सीखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। किसी प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक लेके 30 अंकों से फेल हो जाता है, अन्य 32% लेके 42 से पास हो जाता है, तब पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? दोस्तों इस सवाल को मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट भी करके दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे भाई आपके काम की जो चीज है उस तरीके से मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगा, ताकि ऐसा सवाल आए तो पेपर में आप उसको कर पाए। मेरे को क्या चीज आती है, मैं इसको कितना जल्दी कर सकता हूं, वो आपके काम का नहीं है, आपके काम का वो है जो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके हिसाब से इस सवाल को सोल्व करके दिखाने वाला हूं, आप सीखिएगा। देखो मेरे भाई 20% अंक लिए, 30 अंकों से फेल हो गया दोस्तों, फिर क्या कहता है कि भाई उसने दोबारा कहता है कि भाई 32% अंक लिए तो दोस्तों 42 से पास हो गया, तो मेरे भाई कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सवाल में आपने कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ये देखना है कि पास जो होता है ना उसके अंक फेल की अपेक्षा कितने ज्यादा है, तो दोस्तों 32% अंक 20% से 12% ज्यादा है। या दोस्तों हम देखेंगे तो दोस्तों जब फेल और पास का अंतर लेंगे तो याद रखिएगा जुड़ जाएगा, तो पता चलेगा कि भाई 12% अंकों की वैल्यू बेहतर है दोस्तों। यहां से देखो सवाल को मैंने लास्ट में थोड़ा बदल दिया, आपसे पूछेगा टोटल अंक बताइए, टोटल अंक निकालने के लिए अभी जो मैं काम करने वाला हूं वो करिए, 12% की वैल्यू बेहतर है, 1% की वैल्यू 12 का भाग कर देंगे दोस्तों, 100 की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे, 12 × 6 = 72, अगर मेरे भाई टोटल अंक पूछता तो मैं 600 बोल देता दोस्तों। आपके एग्जाम का लेवल यही है कि आपसे ऐसे सवाल में टोटल अंक पूछेगा 600, लेकिन मैं आपको 5% निकाल के दिखाऊंगा। देखिए टोटल अंक है 600 दोस्तों, उसने प्राप्त किए 20, 600 का 20% अगर प्राप्त करेगा तो मेरे भाई 600 का 20% 120, 30 से फेल हो जाएगा, इसका मतलब दोस्तों उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए 150। अगर दोस्तों ये बताना होता कि भाई पास अंक कितने हैं तो मैं 150 उत्तर बोल देता, लेकिन दोस्तों पास प्रतिशत बताना है, इसका मतलब दोस्तों पास होने के लिए 150 नंबर चाहिए, और 150 नंबर चाहिए कितने में से भाई 600 में से, टोटल अंक कितने हैं 600 हैं गुरुजी, 600 में से परसेंटेज के लिए दोस्तों गुणों 100 कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगी,
छह से काट देंगे दोस्तों 25% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 25% निकाल दिया होगा बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, डी उत्तर आ जाएगा 25%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने आ चुका है दोस्तों, सवाल वैसा ही है लेकिन थोड़े से बदलाव के साथ है। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थियों ने हिंदी, 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए। दोस्तों कुछ नहीं करना, अलग अलग विषय को जोड़ना है, दोनों वाले को घटाना है। 52% हिंदी में फेल, 42% अंग्रेजी में फेल, 17% दोनों में फेल। दोस्तों सोल्व कर दो, कुछ नहीं करना, उत्तर आ जाएगा। दोस्तों 52% फेल, 42% फेल, अलग अलग विषय वाले को जोड़ते हैं, दोनों वाले को घटाते हैं। दोस्तों जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 94% हो जाएगा। अब दोस्तों 94 में से 17 घटाना है, दोस्तों 94 में से जब आप 17 घटाएंगे तो मेरे ख्याल से 77% बच जाएगा। दोस्तों यहां से जब आपने 94 में से 17% घटाया तो दोस्तों यहां से देखो सिंपल तरीके से घटा सकते हैं, 94 में से पहले 10 घटाओ 84, फिर 7 और घटा दो 77। इसका मतलब दोस्तों 77% विद्यार्थी फेल हैं। दोस्तों फेल पूछता, अगर ये फेल लिए हैं तो रिजल्ट भी फेल का ही मिलेगा। दोस्तों फेल पूछता तो 77% बोलता। दोस्तों पास पूछा है, 100% में से 77 को निकाल दीजिए, 23% इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। यानी कि जिन भाइयों ने सी उत्तर निकाला होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा भाई 23%। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर 23% निकाला होगा भाई बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 23%। फिर बताता हूं एक बार, मेरे भाई जो अलग अलग विषय देगा ना उनको तो जोड़ना है, जो दोनों का फेल या पास होगा उसको घटाना है। लेकिन याद रहे एक ही टर्म में होनी चाहिए, या तो सारे फेल फेल या सारे पास पास। फेल लोगे तो रिजल्ट फेल का आएगा, पास लोगे तो रिजल्ट भी पास का आएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ये बड़ा ही छोटा सा सवाल है, छुटकू सा, लेकिन दोस्तों ये पेपर में आएगा। दोस्तों ऐसा सवाल बार बार पेपर में आता है, आपके एग्जाम का जो लेवल है ऐसा सवाल पक्का देखने को मिलता है मेरे भाई। सुनिएगा दोस्तों, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या दोस्तों 504 है भाई, कुछ नहीं करना, 100% विद्यार्थी होते हैं टोटल। लड़कों के बारे में पता है कि भाई लड़के हैं 70%। दोस्तों लड़के अगर 70% है तो मेरे भाई बच गई लड़की 30%। अब 30% की वैल्यू दोस्तों 504 दे रखी है, 1% की वैल्यू निकालेंगे 30 का भाग कर देंगे। दोस्तों लड़कों की संख्या पूछी है, टोटल पूछता तो 100 से गुणा करते, लड़के पूछे हैं 70 से गुणा कर देंगे, जीरो कट जाएगी। दोस्तों 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। 3 × 3 = 2, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। 7 × 8 = 56, 5 = 42 और 5 = 47, 4 = 7 × 7 = 4 = 11। 1176 कहां पे है भाई, ढूंढ लो। जिन भाइयों ने ए उत्तर दे दिया भाई बिल्कुल ठीक है दोस्तों, जवानों बिल्कुल ठीक है आपका, प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल दोस्तों पेपर में आने वाला है ये। चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आप सभी भाइयों को बीच में दे देता हूं। दोस्तों बहुत जल्द 2-3 दिन के अंदर अंदर जो भी मेरे भाई आर्मी की तैयारी करते हैं, आपके यार दोस्त किसी भी कोई भी भाई हो एग्जाम की तैयारी करता है आर्मी की, तो आर्मी वाले भाइयों के लिए मैं बहुत जल्द 2 या 4 दिन के अंदर अंदर लाइव बैच लेके आने वाला हूं, VOD प्लस लाइव क्लास। तो भाई आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी भाइयों को बताएं। दोस्तों इसकी लाइव क्लास बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, इसमें हम आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर देंगे। दोस्तों PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, प्रैक्टिस और स्टडी मटेरियल सारा होगा। दोस्तों पुराने पेपर मिलेंगे और दोस्तों अब जो नए पैटर्न के सब क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको अपडेटेड कराने वाला हूं। तो दोस्तों इसको जरूर बात को शेयर कीजिएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों 20% हमने परसेंटेज टॉपिक के लिए, और मैंने कोशिश की कि भाई उन 20% में परसेंटेज के लगभग हर एक सवाल को कवर किया जाए जो आपके एग्जाम के लायक है।
कोशिश की दोस्तों मैंने, आप भी उनको करिएगा ताकि आपका सवाल गलत ना हो। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों लाभानी के सवालों की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। लिखा हो दोस्तों किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले अपने से खाली क्रय मूल्य पूछता था, अब एक ही सवाल में दोनों बातें पूछेगा तो कैसे करेंगे, सुनिएगा। दोस्तों 72 रुपए में बेची जाएगी तो बटे में लिख देंगे 72। दोस्तों जितने की हानि होगी 100 से घटा देना, दोस्तों जितना लाभ कमाना हो 100 में जोड़ देना, काट देना उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई काट देंगे तो मेरे भाई यहां से देखो 5 से काट देंगे तो ये 18 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 21 आ जाएगा। दोस्तों 18 से 4 बार में काट देंगे 72, 21 की 4 में गुणा करेंगे 84। जिन भाइयों ने 84 उत्तर निकाल दिया बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 72 रुपए में बेची गई ऊपर लिख दिया, 10% की आनी है नीचे घटा दिया, जितना लाभ कमाना है जोड़ दिया, उत्तर आ गया भाई 84। जिन भाइयों ने 84 निकाल दिया होगा बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों बिल्कुल डिटो लिया है, बिल्कुल सेम लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ऐसा सवाल पेपर में आए तो आप उसको ठीक करके आए, गलत नहीं करके आए। चलिए दोस्तों देखिए ध्यान से, 105 रुपए में बेचा तो मेरे भाई 9 की आनी, नीचे लिख देंगे 100 माइनस 9, लाभ कमाना गुरुजी 30 का, 100 में 30 जोड़ देंगे भाई। सोल्व करिए दोस्तों, भाई 13 से काट दे 91 और 13 से काट दे 10, दोस्तों 7 से काट दे 15 बार में, 15 गुना 10 कितना होता भाई 150 होता है। जिन भाइयों ने सी उत्तर निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। जिन भाइयों ने सी उत्तर दिया है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल राइट जवाब है, सी आंसर आ जाएगा मेरे भाई। जिन भाइयों ने सी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यह भी दोस्तों छोटा सा सवाल है, काम का सवाल है। चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य के पर बेचता है तो उसकी हानि क्या है। कहने का मतलब दोस्तों 400 जितने में लेके आता है ना उतने में 320 बेच देता है, तो फायदा कहां से होगा, नुकसान हो जाएगा। दोस्तों जितने में वो 400 लेके आया, 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि भाई अगर उसने खरीदे 400 में ना तो बेचे 320 में। दोस्तों 400 खरीदेगा और 320 बेचेगा तो बताओ घाटा कितने का, 80 का, कितने के ऊपर 400 पे, और गुणा में कितना 100, दो जीरो कट जाएंगी मेरे भाई, 4 से काट देंगे, 20% जिन्होंने निकाल दिया बिल्कुल सही हो जाएगा। वो कहने का मतलब दोस्तों सवाल में यही है कि खरीदी अगर उसने 400 की वस्तु तो बेची 320 में, रेशो से हो जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, ऐसा सवाल भी आपको पेपर में देखने को मिल सकता है मेरे भाई। ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, बी उसको 10% के लाभ पर सी को बेचता है, सी ने उसे 2310 में खरीदा हो। दोस्तों देखो बाद का मूल्य देके पहले का मूल्य पूछा है, थोड़ी देर पहले मैं परसेंटेज वाले सवाल में बता के आया हूं कि पहले की तरफ आप जाओगे ना तो प्लस माइनस नीचे कर देना। दोस्तों पहले की तरफ आप जब भी जाओगे प्लस माइनस आपने नीचे करना है। दोस्तों यहां से देखो 2310 लास्ट मूल्य है, ए ने बेचा था दोस्तों 5 के लाभ पर, लाभ के लिए 100 में जुड़ जाएगा 105, फिर दोस्तों बी ने बेचा 10 के लाभ पर, ये भी जुड़ जाएगा 110। दोस्तों देखो 0 से 0 कटगी भाई, 11 से काट दें, 11 दुनी 22, एक बच जाएगा 11 एकम 11, मेरे भाई 21 से काट दे 5 बार में, 5 से काट दे 20 बार में, दोस्तों 20 गुना 100, 2000 उत्तर आ जाएगा। जिन भाइयों ने ए उत्तर निकाल दिया बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, 2000 उत्तर आ जाएगा। दोस्तों पहले का मूल्य निकालेंगे ना, पहले का रिजल्ट निकालेंगे तो बाद की वैल्यू को वहां लिखेंगे, वृद्धि होगी तो नीचे प्लस, कमी होगी तो माइनस, लाभ का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। सोल्व किया 2000 उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों आपका, जिन्होंने 2000 उत्तर निकाल दिया। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अगला भी छोटा सा सवाल है, काम का सवाल है। लिखा हुआ है मेरे भाई 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों देखो कुछ नहीं करना, ऐसे सवाल में ध्यान रखिएगा
यहां पे जो मूल्य लिखा हुआ होगा ना और इसके साथ में जो संख्या होगी वो इसी की होगी मेरे भाई, ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहां पे जो मूल्य है और इसके साथ में जो संख्या है वो इसी की है। यहां पे मूल्य है क्रय मूल्य और साथ में संख्या है 10, तो क्रय मूल्य 10 है तो दोस्तों ये इधर वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा 15। 10 में खरीदना, 15 में बेचना, 5 का फायदा 10 के ऊपर, इनटू 100 कर देंगे, जीरो कट जाएगी, 50% उत्तर आ जाएगा भाई। जिन भाइयों ने सी उत्तर निकाल दिया होगा, बिल्कुल राइट आंसर है 15। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आएगा, पक्का आएगा दोस्तों। जो मूल्य यहां पे है इसके साथ में जो संख्या वो उसी की है। क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 15, 10 में खरीदना, 15 में बेचना, 5 का फायदा, 10 पे गुणा 100, 50, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों पिछले वाला ही सवाल है, एक और सवाल को पढ़िए और करिएगा। लिखा हुआ कि यदि 5 वस्तुओं को बेचने पर, दोस्तों सवाल है, यदि 5 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि। दोस्तों वही पिछले वाला सवाल है, यहां पे जो मूल्य है वो इसी का है। अब की बार दोस्तों विक्रय मूल्य 3 है और क्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य दोस्तों 5 हो जाएगा, दोस्तों विक्रय मूल्य यानी कि 3 हो जाएगा विक्रय मूल्य। मैंने कहा था कि जो मूल्य यहां होगा वो इसी का होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 3। 5 में खरीदना, 3 में बेचना, 2 का घाटा, 5 के ऊपर, इनटू कर देंगे 100 से, 20 गुणा 2 दोस्तों 40 उत्तर आ जाएगा। भाई जिन साथियों ने 40% हानि निकाल दिया, बिल्कुल राइट आंसर है, इस ऑप्शन डी उत्तर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। डी वाले जितने भी हैं सबका ठीक है मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़े प्यारे प्यारे सवाल है दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, देखिए बड़ा ही जानदार सवाल है, आपके एग्जाम के लेवल की सारी चीजें हैं मेरे भाई, जो आपके एग्जाम में छपने वाला है ना वही मैंने यहां पे छापा है। पेपर आएगा जिस दिन, आप देखिएगा, तीसरी मैराथन क्लास है, अगर पेपर में यहां से सवाल नहीं आए जो भी मैंने पढ़ाया है तो आप मेरे को आते ही बोलिएगा, सर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और आपने जो पढ़ाया उसमें से कुछ नहीं आया। दोस्तों विश्वास रखिए, देखिएगा डिटो सवाल आपको वहां पर मिलेंगे। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वो इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो 5 का लाभ होता। दोस्तों देखो ऐसे सवाल में ना वस्तु के क्रय मूल्य को 100% लिख लेते हैं। मैंने मान लिया जी भाई साहब कॉस्ट प्राइस है 100%, 5 की हानि पे बेचेगा तो दोस्तों 95% पे बेचेगा भाई। मूल्य को 80 बढ़ाएगा तो 5 के लाभ पर पे बेचेगा तो 105 पे बेचेगा। भाई आप ये बता दीजिए प्यारे भाइयों कि यहां विक्रय मूल्य 95%, यहां 105%, बताइए दोस्तों कितने परसेंट बढ़ गया? गुरुजी 10% बढ़ गया भाई। 10% जो बढ़ गया ना वो प्रश्न में 80 रुपए बताया है, 1% की वैल्यू निकालेंगे 10 का भाग कर देंगे दोस्तों, 100% की वैल्यू निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, जीरो से जीरो कट जाएगी, 8 की 100 में गुणा करोगे। डी उत्तर जिन्होंने निकाल दिया सही निकाल दिया मेरे भाई, जिन्होंने डी उत्तर निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। 5 की अन्नी 95, 5 का लाभ 105, 10% बढ़ गया, 10% बराबर 80, 100% बराबर 800, खत्म। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों एक व्यक्ति 2 मशीनों में से प्रत्येक को 396 रुपए में बेचता है, एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 10 की हानि पर बेचता है, पूरे सौदे पे लाभ हानि। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से छपने वाला सवाल है दोस्तों, 100% आपके पेपर में ऐसा सवाल देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है भाई, पूरी पूरी संभावना दोस्तों ऐसा सवाल मिलने की। चलिए एक बार करिए आप, मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं मेरे भाई, करिए आप इस सवाल को भाई, बड़ा ही प्यारा सवाल है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, देखो मेरे भाई मैं कराता हूं ना, आपने कर लिया बड़ी अच्छी बात, अब सुनिएगा मेरे भाई क्या होगा। देखो इस सवाल की पहचान क्या है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा, ठीक है, लाभ हानि भी समान देगा, जितने का लाभ होगा उतने की हानि होगी। मेरी बात को गौर से सुनिएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का समान मिलेगा, लाभ हानि भी समान मिलेगा, उत्तर कैसे निकालना है ध्यान से देखिए।
दोस्तों इस सवाल को करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, जितने का लाभ है जितने की हानि है उसका वर्ग करके मेरे भाई बटे 100 लिखना है। दोस्तों 10 का लाभ है 10 की हानि है, 0 0, 1 से 1, 1 बचेगा। दोस्तों अब दोस्तों समस्या यह होगी लाभ क्या हानि। दोस्तों ये बात याद रखनी पड़ेगी कि मेरे भाई हमेशा हानि होगी, फायदा कभी भी नहीं होगा। ऐसे सवाल का उत्तर हमेशा हानि में आएगा। जिन भाइयों ने 1% हानि निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर था। दोस्तों ऐसे सवाल को आप जब भी करेंगे लाभ हानि का वर्ग करके बटे 100 कर देना। 10 का लाभ 10 की हानि बटे 100 आ गया ना 1% उत्तर। हमेशा हानि होगी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा हानि होगी मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 में बेचता है। पहली को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है, बेचने पर दूसरी को 20 की हानि होती है, शुद्ध लाभ हानि। पिछला सवाल है दोस्तों, 2 का विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि समान, बताइए उत्तर। भाई 20 का गुरुजी 20 × 20/100, भाई काट दो 0 से 0 कटगी, 2 × 2 = 4, मेरे भाई हमेशा हानि आएगी, ढूंढो 4% हानि कहां है। गुरुजी डी ऑप्शन में है, भाई डी उत्तर बता दो। जिन भाइयों ने डी निकाल दिया बिल्कुल सही जवाब है, स्टीक जवाब है, राइट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मजा आ गया भाई, छोटा सा सवाल है पेपर में छपेगा, याद रखना दोस्तों। चलिए अगला सवाल दोस्तों, यह भी दोस्तों बड़ा प्यारा सा, दोस्तों एक एक चीज सेलेक्ट करके लेके आए हूं आपके लिए, एक एक चीज जो आपके काम की है वही बोर्ड पे छपी हुई है, वही पेपर में छपेगी, याद रखना आप मेरी बात को। देखो ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे दोस्तों, लिखा हो 5 रुपए में 6 किधर से केड़े खरीद के 6 में 5 किधर से बेच दिए, लाभ हानि क्या है। दोस्तों ऐसे सवाल को करो ना भाई, वस्तु को पहले लिख दियो, रुपए को बाद में लिख दियो। मेरे भाई अपने ऊपर अप्लाई करो चीजों को। मैं कहता हूं कि मेरे भाई आप दुकान पे गए, आप बताइए कि पहले वस्तु लेंगे कि पहले रुपए देंगे। अरे इतने तो बेईमान है भाई हम, पहले रुपए नहीं देते, पहले तो वस्तु लेते हैं। तो दोस्तों वस्तु को पहले और रुपए को बाद में लिखना है। कहता कि 5 रुपए में, भाई साहब रुपए के नीचे 5, 6 किधर से, वस्तु के नीचे 6, खरीदे मतलब क्रय मूल्य। दोस्तों रुपए के नीचे रुपए, वस्तु के नीचे वस्तु, 5 रुपए थे रुपए लिख दिए, 6 किधर से लिख दिया, खरीदे तो क्रय मूल्य, और इन्हें 6 रुपए में 5 किधर से बेच दिए तो विक्रय मूल्य, बस कहानी खत्म मेरे भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वज्र गुना, 5 की 5 में गुना करो दोस्तों ये बन गया 25, 6 की 6 में गुना करो दोस्तों ये बन गया 36। मेरे भाई 25 की चीज 36 में बेच दी, मेरे भाई 25 की चीज 36 में बेच दी, आप बताइए लाभ होगा क्या नहीं। गुरुजी लाभ हो जाएगा कितने का, 11 का, नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे 100 से, 2500 का 100, 11 × 4, 44% का लाभ। ढूंढिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन लिखा हुआ है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 44% का लाभ। दोस्तों फिर से देख लीजिए, 5 रुपए में 6 किधर से, 6 रुपए में 5 किधर से, 25 36 आया, 11 का लाभ आया, बटे में 25 × 100, 44% बिल्कुल राइट आंसर है। जिन भी भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अगला सवाल दोस्तों छोटा सा सवाल है, उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की हानि पे बेचा, 200 रुपए ज्यादा में बेचता, 200 थोड़ी देर पहले कर आया था, क्रय मूल्य को 100 मान लीजिए, 100 मान लिया भाई, क्रय मूल्य 100 है, 20 की हानि पे बेचेगा दोस्तों 80% पे बेचेगा, 5 के लाभ पे बेचेगा 105% पे बेचेगा, भाई 80 से मूल्य 105 हो जाएगा, 25% बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा गुरुजी, 200 रुपए बढ़ाने से, 25% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू बटे 25, 100% की वैल्यू दोस्तों गुणा 100, 2500 का 100, 200 × 4 = 800, जिन भाइयों ने 800 निकाल दिया बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था उसका भी उत्तर 800 ही था दोस्तों, याद रखिए इस बात को। सुनिए क्रय मूल्य को 100 मानना है, 20% की हानि का मतलब 80% पे बेचना, 5 का लाभ मतलब 100 की चीज को 105 में बेचना। दोस्तों पहले 80 में बेची बाद में 105 में बेची, मूल्य बढ़ गया हमारे अनुसार 25%। प्रश्न में कहता है ना जी ना 200 रुपए बढ़ाए गए हैं, तो भाई साहब 25% की वैल्यू 200 है, 100 की वैल्यू निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों, उत्तर आ जाएगा अपने पास 800।
बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों बताइए इस सवाल का उत्तर क्या रहने वाला है। किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने से हानि। इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, सुनिएगा मेरी बात को दोस्तों। कुछ नहीं करना भाई, जितने में बेची जाए ना दोनों को जोड़ के दो का भाग कर देना, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। 524 में बेची लाभ हुआ, 452 में बेची हानि हुई, दोनों को जोड़ दिया, अब दो का भाग लगा दो, उत्तर आपके पास आ जाएगा। 2 चौका 8, 2 8 16, 2 8 16, आंसर 488। दोस्तों ऐसा सवाल जब भी दिखे ये काम करिएगा, उत्तर निकाल लीजिएगा। 524 में बेच दिया लाभ, 452 में बेच दिया हानि, दोनों को जोड़ दिया, दो का भाग लगा दिया, आंसर आया मेरे भाई 488। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों लाभ हानि के सवाल मेरे भाई पूरे हो चुके हैं, अब हम ब्याज की तरफ बढ़ चुके हैं दोस्तों। परसेंटेज लाभ हानि के जो आपके लायक सवाल थे वो मैंने करा दिए हैं, अब साधारण ब्याज के सवाल शुरू करने जा रहे हैं। चलिए देखिएगा, छोटा सा सवाल है, सुनिएगा दोस्तों, मैं कराने वाला हूं, आप भी करते रहिएगा, मैं भी कराता हूं, समझिएगा। जिन भाइयों को नहीं आता ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। दोस्तों पक्का पेपर में यही सवाल छपेंगे जो आपको मैं कराने लग रहा हूं। दो वीडियो पहले डाली है, आज तीसरी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, एक एक सवाल को बार बार करके जाइएगा, सेम पेपर में नहीं मिले तो आके मेरे को बोल देना। देखिए भाई, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए, 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। दोस्तों सुनिए, कोई राशि 7 वर्षों में दोस्तों 568 रुपए हो जाती है मेरे भाई, उसी राशि के बारे में बताया है कि भाई वही राशि दोस्तों 5 साल में 520 हो जाती है। दोस्तों आप मेरे को एक छोटी सी बात बताइए ना कि भी समय कितना बढ़ता है। आप बोलेंगे सर समय तो 2 साल का बढ़ता है, मेरे भाई आप ये बताइए कि राशि कितनी बढ़ती है। बोलेंगे सर 48 रुपए बढ़ती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये मेरे भाई 5-7 साल का मिश्र धन है, ये मेरे भाई 5 साल का मिश्र धन है दोस्तों। मिश्र धन में से मिश्र धन को घटाने पे ब्याज आता है मेरे भाई, मैंने कहा मिश्र धन में से मिश्र धन को घटाने पे ब्याज निकल के आएगा। 7 साल में राशि इतनी, 5 साल में इतनी, तो इसका मतलब दोस्तों 2 साल का ब्याज बन गया 48। क्या आप 1 साल का ब्याज बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे सर, 2 साल का ब्याज अगर 48 है तो 1 साल का ब्याज 2 का भाग लगा देंगे, 48 में 2 का भाग लगा देंगे, 24 आ जाएगा दोस्तों। ब्याज तो उसने मेरे से पूछा ही नहीं, उसने मेरे से पूछा धनराशि, धनराशि पूछी है मेरे भाई। तो देखो ध्यान से सुनो, या कितने साल का मिश्र धन है 5 का, तो इस 1 साल के ब्याज को 5 साल में बदल दीजिए। 1 साल का ब्याज 24 है तो मेरे भाई 5 साल का ब्याज हो जाएगा 120, ठीक है। अब 5 साल के मिश्र धन में से 5 साल का ब्याज घटा देंगे दोस्तों, 400 उत्तर आ जाएगा। जिन भाइयों ने 400 निकाल रखा है बिल्कुल ठीक है, जिन भाइयों ने 1 कमेंट कर रखा है बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ध्यान से सुनिए, बगैर पेन रखे इसका उत्तर हम बता सकते थे, 7 साल में 568, 5 साल में 520, 2 साल का ब्याज 48, 1 साल का 24, 1 साल का 24, 5 का 120, 520 में से 120 निकाल दो, 400 उत्तर आ जाएगा, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, भाई साहब ब्याज बताना है दोस्तों। ये तारीख तुरीख दे रखी हो तो इनका ब्याज कैसे निकलेगा मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ब्याज निकालने का सिंपल तरीका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मैं वही आपको यहां लगा के दिखाने वाला हूं दोस्तों। ब्याज जब भी हम निकालेंगे मेरे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से निकालेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका लगा लेंगे, कुछ नहीं दरा ट्रिक में, जहां ट्रिक लगाने की बात आएगी मैं बताता रहूंगा, टेंशन ही मत लो। मूलधन राशि दे रखी है दोस्तों 7300 रुपए की, दर दे रखी है 5% वार्षिक, और दोस्तों बटे में कर देंगे 100 दोस्तों। बात आएगी समय की दोस्तों, 11 मई की बात है 1987 दोस्तों। मई का जो महीना होता है वो मेरे भाई 31 दिन का होता है, तो 11 मई से 31 मई तक की बात की जाए तो भाई 20 दिन हो गए, लेकिन ये कहता है भाई 11 मई को आपने शामिल करना है तो दोस्तों ये हो गए 21 दिन दोस्तों। जून के महीने में 30 दिन, जुलाई के महीने में 31 दिन दोस्तों, अगस्त के महीने में 31 दिन दोस्तों। 10 सितंबर की बात है तो 10 को लिख लीजिए, 1 2 3 दोस्तों, 3 3 9 2 11 और 1 12, टोटल दिन हो गए मेरे भाई 123। 123 दिन का ब्याज पूछना चाहता है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर,
दोस्तों ये एक समय था जिसको हमने काउंट कर लिया। टोटल दिन बनते हैं दोस्तों 123, 123 यहां लिख देंगे दोस्तों। दिन के समय को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग कर देंगे। दोस्तों ये बात आपने ध्यान रखनी है कि दर अगर वार्षिक दे रखी हो ना, वार्षिक दे रखी हो तो दिन के समय को वर्ष में बदलने के लिए बटे 365। अब काटिए भाई, मेरे भाई ये दो जीरो तो गई, 73 से काट देंगे। देखो ये पांच बार में गया दोस्तों, पांच से पांच भी काट देंगे। 123 उत्तर किस किस का आया सच बताइए। जिन भाइयों ने ए उत्तर निकाल दिया ना भाई, बिल्कुल ठीक बात है, इस सवाल का उत्तर ए आ जाएगा। जिन भाइयों ने ए उत्तर निकाल दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ऐसे सवाल में देखो क्या किया मेरे भाई, कुछ नहीं करना, दिनों को काउंट करना है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई के 21 दिन, गुरुजी 20 ही दिन लेने थे भाई। कोष्टक में देखो छोटी सी बात लिखी हुई है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सारे दिन काउंट किए 123। वर्ष में बदलने के लिए दिनों को बटे 365। सोल्व किया दोस्तों, 123 उत्तर जिन भाइयों का है बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों छोटा सा सवाल है, एक आदमी ने 60,000 रुपए, दोस्तों 60,000 रुपए 5% की दर से, शेष 4% की दर से उधार दिए। यदि कुल 2560 रुपए ब्याज मिला हो तो दोस्तों 4% की दर पर उधार दी गई राशि। चलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका बता देता हूं भाई, इस सवाल को करने का डायरेक्ट तरीका बताता हूं, सुनिए मेरे भाई। देखो मान लिया दोस्तों 60,000 रुपए की राशि को, भाई साहब एक बार इसको साइड में लगा देता हूं। हाँ चल आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट तरीका बताने वाला हूं। देखो ऐसा सवाल भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा अगर आ जाए तो कैसे करना सुनो। आप ये मान लो कि भाई छोटी दर को पकड़ लो आप, छोटी दर कौन सी है दोस्तों, 4 और 5 है। आप ना 4 को पकड़ लो, चलो 4 मान लो, कुछ भी लेके कर सकते हैं। मान लो कि पूरी की पूरी दर 4% है दोस्तों। एक छोटी सी बात सोचिए कि 60,000 रुपए को अगर पूरे साल के लिए 4% की दर से उधार दिया जाता तो ब्याज कितना मिलता। गुरुजी 60,000 का 4% निकाल दो, ब्याज मिलता 2400। भाई इस प्रश्न में ब्याज दिया गया है 2560, आप मेरे को बताइए कितना ज्यादा है। सर जी ये तो 061, 160 रुपए ज्यादा है। भाई एक बात बताओ सिंपल सी, कि ये 160 रुपए ज्यादा क्यों आए, सुनिए मेरी बात। मैंने क्या किया मेरे भाई, 60,000 रुपए की राशि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक को 5% से दिया, दूसरे को 4 से दिया। मैं कहता हूं कि मेरे भाई पूरी दर को आप 4% मान लीजिए, मान लिया कि पूरी दर है 4%, तो मेरे भाई पूरी दर आप अगर 4% रही होती ना तो 60,000 का 4% एक साल के बाद 2400 ब्याज आना था, लेकिन मेरे भाई ब्याज आया प्रश्न के अनुसार 2560। कितना ज्यादा आया आप बोलेंगे सर 160 ज्यादा आया। मेरे भाई 160 आने के पीछे की कहानी क्या है, कि जिन्होंने यहां पे आपको दर को 4% लिया गया है ना, वो दूसरी दर एक्चुअल में 4 है ही नहीं, वो दूसरी दर दोस्तों 4% नहीं है, 5% है। इससे कितने परसेंट ज्यादा है, एक। तो दोस्तों एक का भाग लगाइए, 100 से गुणा कीजिए, दूसरी दर वाली राशि आ जाएगी, यानी कि मेरे भाई 5% वाली राशि आ जाएगी 16,000। दोस्तों क्या किया, दर थी 1% ज्यादा, इसी के कारण 160 ज्यादा ब्याज आया होगा। 1% की वैल्यू 160 है, 100 की वैल्यू निकाल दी 16,000। दोस्तों इसमें उल्टा होता है, यहां दर अगर 4 ली है तो ये राशि 5% वाली आएगी, 60 में से 16 घटा दीजिए दोस्तों 44,000 बचेगा, ये राशि आएगी 4% वाली। अगर आप में से किसी भाई ने इस सवाल का उत्तर बी निकाल लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है, 44,000 उत्तर आ जाएगा भाई, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, छोटा सा सवाल है, करिए दोस्तों आप इसको, चलिए मैं भी करता हूं आप भी करिए। कितने वर्षों में 12% की दर से 3,000 रुपए का ब्याज 1,080 होगा। दोस्तों सिंपल तरीका लगा लेंगे, कुछ नहीं करेंगे ना, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई एक साल का ब्याज निकाल के दर निकालेंगे ना, सिंपल तरीका लगा लो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई साहब ब्याज है 1,080, मूलधन है 3,000, दर है 12%, समय हम निकालना चाहते हैं टी लिख दिया, बटे 100। भाई दो जीरो से दो जीरो को उठाओ, 12 से काट देंगे, 12 निम्मा 108 दोस्तों, 3 30 से काट देंगे 3 बार,
जिस ऑप्शन में तीन होगा वो उत्तर हो जाएगा। भाई पहला ही ऑप्शन मिल गया तीन। दोस्तों ब्याज 1080 था लिख दिया, मूलधन 3000 था लिख दिया, दर मेरे को दी गई थी 12 लिख दिया, समय निकालना था 20 से 20, 12 से काट दिया 90, 3 से 30 से काट दिया 3। चलिए बढ़िए, चलिए भाई अगला सवाल दोस्तों सिंपल सा है, देखिएगा ध्यान से। वह धनराशि कितनी है जो 5% साधारण ब्याज की दर से देने पे ₹2 प्रतिदिन ब्याज अर्जित करती है। दोस्तों धनराशि बतानी है, सिंपल तरीका लगाओ ब्याज निकालने का, सुनिए। देखो ब्याज निकालेंगे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से। ध्यान बोर्ड पे रखते जाओ आप, है ना, टेंशन ही मत लो, छोटे छोटे सवाल हैं। ब्याज मिलेगा मेरे भाई ₹2 का, राशि मैं निकालना चाहता हूं, दर 5% वार्षिक है दोस्तों, समय प्रतिदिन का है यानी एक दिन, और दोस्तों बटे में लिख देंगे 100। मेरे भाई अब आपने ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, दर अगर वार्षिक दे रखी हो, भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, कहां ध्यान आपका, दर अगर वार्षिक दे रखी हो तो दिन के समय को वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, 365 से। दोस्तों यहां ये प्रतिदिन का समय है, इसको वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे, काटो भाई, काट देंगे दोस्तों, इसी को काट देता हूं मैं, 5 × 7 = 35 और 5 × 3 = 15, 73 × 100, 7300 का डबल, 7300 का डबल करोगे 14600 है भाई, कहीं पे ऑप्शन में 14600 गड़बड़ कर रखी है भाई, ऑप्शन लिख ही नहीं रखा दोस्तों ऑप्शन में लिख ही नहीं रखा, 14600 आएगा मेरे भाई, एक कोई भी ऑप्शन 14600 का बना दे, ए मान लो ये 14600 है, ठीक है, ये 700 500 7300 है, तो मान लो ए ऑप्शन में 14600 लिखा हुआ है, तो दोस्तों ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा 14600। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई राशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से किस दर से दोगुनी हो जाएगी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम के नजरिए से इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए दोस्तों जब भी राशि आपको गुणा में देना, आप एक छोटा सा काम करिए, जितने गुणा राशि दे रखी है उसको कम करिए 1 और 100 से गुणा कर दीजिए। अगर दर दे तो दर का भाग करिए, समय आ जाएगा, और समय दे तो समय का भाग करिए, दर आ जाएगी। दोस्तों कुछ नहीं करना, कोई राशि 15 वर्ष में किस दर से दोगुनी हो जाएगी, दोस्तों कुछ नहीं करना मेरे भाई, ध्यान से सुनिए, जितने गुणा राशि होगी ना एक कम करना, दर देगा दर का भाग करना, समय देगा समय का भाग करना, और दोस्तों 100 से गुणा और करना है। राशि बताइए कितने गुणा है, आप बोलेंगे सर राशि 2 गुणा है, 2 गुणा है तो मेरे भाई 2 को 1 कम करो 1, गुणा कर देंगे 100 से। दोस्तों समय कितने साल का है, 15 का भाग लगाओ भाई, 5 × 3 = 15, 5 से काट देंगे 20 20/3, 6 × 2/3, जिस ऑप्शन में है वही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर दोस्तों इस सवाल का उत्तर 6 × 2/3 निकाल दिया भाई, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई राशि 15% की दर से किस दर से दोगुनी हो जाएगी, दोस्तों जितने गुणा है एक कम करना है, 100 से गुणा करना है, दर हो तो दर का भाग, समय हो तो समय का भाग आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 5% की दर से 15 महीने के ब्याज से ₹129 ज्यादा है, तो भाई धनराशि क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट करें, 4% की दर से 8 महीने का ब्याज 32% हो जाएगा। दोस्तों 5% की दर से 15 महीने का ब्याज दोस्तों 75% हो जाएगा। अगर हम यहां से ये देखें कि भी ब्याजों का अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, दोस्तों ये 3 और मेरे भाई यहां पे ये 3 आया तो यहां पे कितना आया, 4। हमारे अकॉर्डिंग जो 43% का डिफरेंस है वो प्रश्न में दोस्तों 129 बता रखा है। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 43 का भाग कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। मेरे भाई ऑप्शन में मेरे को नजर ही नहीं आया उत्तर, है ना, ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा। 4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज 5% की दर से साधारण ब्याज से ₹129 कम है, तो दोस्तों धनराशि क्या है ना,
चलिए एक बार भाई इसको डायरेक्ट मैं दोबारा बता दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अगर सिंपल तरीके से लिखें तो देखो भाई, मान लिया राशि है एक्स रुपए की, दर है दोस्तों 5, समय 15 महीने का, बटे 100 और दोस्तों गुणा में 12। दोस्तों ये जो ज्यादा है किससे, एक्स रुपए की राशि 4% की दर से 8 महीने, 8 महीने को वर्ष में बदलेंगे बटे 12, और बराबर में आएगा दोस्तों 129। दोस्तों एलसीएम आ जाएगा 1200। दोस्तों ये हो जाएगा 75x, ये हो जाएगा भाई 32x। दोस्तों बराबर में 129, वही बचेगा मेरे भाई जो अब तक कर रहे थे हम, 43x अपॉन 1200 बराबर में 129। दोस्तों 3 बार में कट जाएगा, x की वैल्यू दोस्तों 3600 आ जाएगी। भाई 3600 बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन है। दोस्तों आप देखो डायरेक्ट भी लिख देता हूं मैं, वही तरीका जो अभी हम बताने की कोशिश कर रहे थे आपको, सुनिएगा ध्यान से। 4% की दर से 8 महीने का ब्याज दोस्तों ये आ जाएगा 32%, ठीक है। फिर 5% की दर से 15 महीने का ब्याज दोस्तों ये आ जाएगा 75%। डिफरेंस आया दोस्तों 43% का, जो पर्सन में है 129 के बराबर। 1% की वैल्यू 43 से भाग, 100 की वैल्यू 100 से गुणा। लेकिन लेकिन मेरे भाई ये जो 8 और 15 था ना, ये महीने था, महीने को वर्ष में बदलेंगे बटे 12, जो पलट जाएगा गुणा हो जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 12 × 3 = 36, 36 × 100। इस सवाल का उत्तर जिन भाइयों ने, इस सवाल का उत्तर जिन भाइयों ने 36 निकाल दिया भाई, 3600 उत्तर आ जाएगा इस सवाल का, इस सवाल का उत्तर 3600 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए देखिए दोस्तों अगले सवाल का उत्तर क्या रहने वाला है। देखिए किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि, वर्ष और ब्याज की दर दोनों बराबर है तो दर क्या है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सवाल है, चलिए मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखो ब्याज दे रखा है मूलधन का 4/9 भाग। मेरे भाई एक छोटा सा काम करिएगा, जब वर्ष और दर के समान होने की बात करें ना, 100 से गुणा करके रूट कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितना भाग दे रखा है दोस्तों बटे 100 करना है, सॉरी जितना भाग दे रखा है ब्याज मूलधन का, 100 से गुणा करके रूट लगाना है। कब, जब भाई दर और समय समान हो जाए। दोस्तों सोल्व करेंगे, देखो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 20/3, 6 से 2/3, दर भी यही है, समय भी यही है, दर पूछी है दोस्तों, 6 से 2/3 उत्तर आ जाएगा। जिन भाइयों ने इस सवाल का उत्तर बी कमेंट कर दिया, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी, उम्मीद है यहां से हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ब्याज। दोस्तों ये जरूर पढ़ के जाइएगा, एक बार में अगर चीजें कम समझ आई तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल कराए हैं सारे के सारे, इनमें से पेपर में जरूर मिलेंगे सवाल आपको। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। जो भी भाई चैनल पे नए जुड़ते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों जिन भाइयों ने 1 और 2 नंबर मैराथन क्लास नहीं देखी है, आप दोस्तों उनको भी देखिएगा, वो भी क्लास इंपॉर्टेंट थी भाई। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने बेस्ट सवाल कराए हैं, इनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास रखिएगा दोस्तों आप। चलिए जो भी साथी लोग जुड़े भाई, आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार, और दोस्तों लाइक शेयर जरूर करते रहा करो मेरे भाई। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।